आप लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है और किस तरह लिखी जाती है, और इसका अभ्यास आज हम करेंगे। देखिए, ऊ की मात्रा का अभ्यास। यहाँ पे ऊ की मात्रा दिखाते हैं। यहाँ है छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ ही है, ये छोटी ऊ कहलाती है। और छोटी ऊ को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ककर किकी में कू खू घू चू छू जू झू टू टू डू धू नू तू थू दू धू नू ऊ हू वू भू हो गए ऊ की मात्रा का शब्द। इसके बाद हम ऊ मात्रा से बने शब्द लिखेंगे, ठीक है। ऊ मात्रा से बने शब्द यहां लिखिए, ठीक है। ऊ मात्रा से बने शब्द, ऊ मात्रा से बने शब्द, जैसे कि कुशल 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 गुलाब गुलाम चुन गुन लिया धुन जुगल जुलग तुम तुलन बुन ठीक है। उदाहरण के लिए ये सभी अक्षर आते हैं। अभी चलिए हम चित्र पहचान कर उनको ऊ मात्रा से, ऊ मात्रा के ही शब्द लिखने होते हैं, लेकिन क्या है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने होते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम, ठीक है। तो अभी चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना होता है। एक चित्र निकालूंगी मैं, ठीक
यह झुमका है, ठीक है, झुमका, ठीक है। दूसरा वाला जो है यहाँ है, गुलाब। गुलाब, ठीक है। और चूहियां, चूहिया। ठीक है, यहाँ चूहिया। तो अभी है नीचे लिखे गए व्यंजनों में उ की मात्रा लगाकर शब्द को, नए शब्द आपको बनाने। तो उदाहरण के लिए मैं अभी यहाँ पे जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे स से उ की मात्रा लगाकर सुपारी, ठीक है। उसी तरीके से ब से बोल, दूसरा वाला जो है क से कुमार, तीसरा वाला है ग से गुलाब या गुलाब, चौथा वाला जो है ख से खुशी, खुशी, पांचवा वाला जो है प से पुराण, ठीक है। यह उ की मात्रा के नए शब्द हैं। अभी आपको मैं नए शब्द देती हूँ पांच। यहाँ छठा शब्द है, यहाँ है ध है, सातवां शब्द है तो, आठवां शब्द है स, नौवां शब्द है ग और दसवां है तो, इन पांच शब्दों को, इन पांच अक्षरों को आपको उ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। ये रहा आज के लिए होमवर्क आपका, और अगले क्लास में हम सीखेंगे अक्षरों को अलग करके लिखना, यानी कि जैसे कि समझिए अभी मैंने यहाँ पे पुराण लिखा है, तो पुराण को अलग करके लिखा जाता है कैसे, वो अगले क्लास में आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए आपको यहाँ क्या करना है, इसके पांच नए शब्द ढूंढकर आपको अपने क्लास वर्क में लिखना है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम सीखेंगे अक्षरों को अलग करके लिखना। धन्यवाद।